गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अब ये प्रार्थना पत्र हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी कारणवश स्कूल में नहीं जाते तो हमारी अब्सेंट ना लगे, उसके लिए हम पत्र को लिखते हैं, ताकि अध्यापक को, हमारे मुख्य अध्यापक को सूचित ये सूचना मिल जाए कि हमारी जो हालत है वो ठीक नहीं है और इसी कारण हम स्कूल में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो उस लेटर को लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर अपना पता लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर अपना पता और उसके नीचे उस दिन की डेट लिखते हैं हम कि उस दिन क्या डेट है, ठीक है। उसके बाद हम लेटर यहां से अपना शुरू करते हैं। शुरू में लिखते हैं हम सेवा में, ठीक है, सेवा में मुख्य अध्यापक जी, ठीक है। अगर वो मेल है तो हम अध्यापक जी लिख करेंगे, और अगर वह फीमेल है तो हम अध्यापिका कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना होता है कि हमारे स्कूल का क्या नाम है। जो भी आपके स्कूल का नाम है आप वहां पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है राजकीय प्राथमिक पाठशाला सेक्टर 9, ठीक है, और वो कहाँ पर पड़ती है, अम्बाला शहर के अंदर, ठीक है। आपने भी इसी प्रकार अपने स्कूल का नाम और आपका जो जिला है उसका नाम उसके अंदर आपने लिख देना है। उसके बाद हम इसका शुरू करते हैं श्रीमान जी, हम मुख्य अध्यापक को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर। श्रीमान जी के निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है, यानी कि मुझे जो अचानक से कल रात बुखार हो गया है और इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता, कि क्योंकि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम स्कूल में नहीं जा सकते, इसीलिए हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया है इसलिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मुझे तेज बुखार है। उसके बाद कृपा करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, कि लगभग मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मुझे दवाई लेने भी जाना है और भी जैसे अगर स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे ठीक होता है तो लगभग 2 दिन में मुझे अपने स्वास्थ्य को मैं कवर कर लूंगा, तो मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। हम यहाँ पर 2 दिन के, यहाँ जो 2 दिन का अवकाश हमने मांगा है, हम यहाँ पर उसकी डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि हमें किस डेट से लेकर किस डेट तक छुट्टी चाहिए, 2 दिन के लिए चाहिए, 3 दिन के लिए चाहिए, आप यहाँ पर उनका उतने ही दिन का यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आपकी अति कृपा होगी, और उसके बाद हम कर देंगे मुख्य अध्यापक का धन्यवाद, ठीक है। अंत में हम क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी, अगर लड़की है तो हम शिष्या और लड़का है तो हम शिष्य यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं, उसके बाद अपनी क्लास लिखिए, उसके बाद अपना रोल नंबर लिखिए, और उसके बाद आप अपना सेक्शन भी यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र है। इसी प्रकार यदि हमें कोई घर पर आवश्यक कार्य पड़ गया है तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना है, जहाँ पर हमने लिखा है कि निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार है, हम यहाँ पर कर सकते हैं कि मुझे घर पर अति आवश्यक काम है और उसी काम के लिए मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकता, कृपा करके मुझे इतने दिन का, यानी कि आप दिन मेंशन कर सकते हैं, इतने दिन का अवकाश चाहिए। तो इस प्रकार हमारी ये एप्लीकेशन बन जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम जल्द ही नया टॉपिक लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।